ए रंजीत, इसमें जो भी होएगा ना मेरा होएगा। हाँ, सब तेरा ही होगा। प्रॉपर्टी कितना बोला? 10 करोड़। 10 करोड़? इंदु, तू 10 करोड़ की मालकिन बन गई। इंदु, ए इंदु, इंदु, ओए, ठीक है? 10 करोड़। इंदु, ए, अरे उठ। हाँ, गायब हो जा रही है। इंदु को देखा क्या? ए, रुक, इंदु को देखा क्या? नहीं। चल भाग, यहाँ खेलता रहता है। भाग, कहाँ गायब हो जाती है लड़की। इंदु, इंदु को देखा क्या? इंदु, ए राजू, इंदु को देखा क्या? जब मेरे को काम होता है ना तब भी ये गायब हो जाती है। अब कहाँ ढूंढू इस बेवकूफ लड़की को। इंदु, जल्दी दे। खाएंगे मजा। आजा इंदु। आई कब से तेरे को ढूंढ रही ली मालूम? पूरे मोहल्ले का चक्कर लगा कर आई। कहीं को लगा के आई? ए, चुप कर, चल कर, चल। आई, अभी तो अपनी बारी आई, अपन की बैटिंग है। घर चल, मैं खेल के आई। बहुत हो गया तेरा बॉल बैट, समझी ना? मक्खन से डाया है। कर चल। मैं नहीं जाएगी। ए इंदु, अपनी बैटिंग तो लेती जा। ओए, तेरे बाप से करवा। आया बैटिंग वाला। बॉल की देते जा। स्पीड में किधर चली गाड़ी? हाँ, तू फिर से छेड़ोगे ना रानी वाला? क्या करूं, जब तक तुम्हें छेड़ू नहीं लगता है कि मेरा दिन एकदम वेस्ट हो गया। हम खड़े तुम्हारी राहों में और तुम चले किसी और की बाहों। वाह 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 वाह। देख, मजाक मत कर, जल्दी में हूँ, ठीक है? जाने दे मेरे को। जल्दी में तो मैं भी हूँ मेरे राजा, लेकिन क्या करो, तुम्हारी ये जो गाड़ी है ना, मेरे इस खाली रूट पर कभी रुकती ही नहीं। तू क्या मालगाड़ी के डिब्बे में पैदा हुई थी? अरे वाह, क्या सही बजाना, मालगाड़ी के डिब्बे में ही तो पैदा हुई थी मैं, और फिर वहाँ। ओ, हिस्ट्री मत बता अपनी, सब जानता हूँ मैं। सब जानते तो हो, लेकिन मानते नहीं है ना? आ? इतना आसानी से रानी बाला का सिग्नल क्रॉस कर ले, ऐसी कोई गाड़ी नहीं बनी अब तक। निकल के दिखा। देख रानी वाला, मैं तेरी बेइज्जती नहीं करना चाहता, मैं तुझे पहले भी कई बार मना कर चुका हूं, तू कितनी भी कोशिश कर लेना, इंदु की जगह कभी ले नहीं सकती, समझी?
रानी बाला को किसी और के जगह का जरूरत नहीं है, मुझे तो यहाँ यहाँ एक छोटी सी खोली चाहिए, बस दे दे, जिंदगी भर सेवा करूंगी तेरी। जो कभी हो नहीं सकता। हाँ, इतना भरोसा? वो तुम्हारी मैना, मन की चैना इंदुमती, वो तो जा रही है तुम्हें छोड़ के, हुर हो रही है मगन सेठ के साथ, समझे? ए, क्या बकवास कर रही तू? बकवास क्यों, तुम्हें नहीं पता वो डीलिंग बिलिंग चल रहा है उनका। आज फाइनली मगन सेठ तुम्हारी इंदु को लेकर जाएगा। पागल है क्या? हट। अरे पागल मैं नहीं, तुम। भगवान करे तुम्हारे प्यार का इंजन पटरी बदल कर मेरे प्लेटफॉर्म पर आ जाए। आएगा एक ना एक दिन रानी बाला, ये तेरे पास जरूर आएगा। ये मोबाइल 3,000 रुपए की ड्रेस और 1,200 रुपए के जूते लेके आया हूँ अपने इंदु के लिए। अब से इंदु बिटिया को मेरा मतलब है तुम्हारी इंदु बिटिया को अच्छे अच्छे कपड़े पहना के लाना। इसका बाप छोड़ के गया ना रोकड़ा, खाने को नहीं चने, पप्पू ना अंबानी बने, अपनी कोक से निकाला है कचरे में से उठा के नहीं ले आई, कैसे ज दे दू? इसका बाप जिंदा होता ना तो देती ज नहीं। तू तो इसे लगन करने वाला है नहीं सेठ, पॉकेट में पैसा होगा ना तो सिलाई की एक दुकान और खुद की खोली खरीद लेंगे। अरे किम्मो भाई, तू काहे को चिंता करती है, उसकी देखरेख सारी मेरे जिम्मे है और बाकी रकम तो मैं दे ही रहा हूँ। 5 लाख रकम कोई कम नहीं होती है किम्मो भाई। मेरे को 10 लाख मांगता है। पागल हो गई क्या? 10 लाख देखे भी हैं कभी जिंदगी में? देखे तो 5 लाख भी नहीं पर 10 लाख से पूटी कौड़ी भी कम सी नहीं मांगता। बस क्या बात है किम्मो भाई, कितना टाइम लगा रही है, कब आएगी इंदु? कितना बुमाबुम करता है सेठ, हारे लिए तेरे पास तो तैयार हो रहे लिए। इंदु ले, देख ले। वाह क्या बात है, एकदम दीपिका पादुकोण लग रही है और ये विदेशी ड्रेस में तो और भी अच्छी लग रही है, है? लड़की सलवार और साड़ी में एकदम पत्ता गोभी जैसी लगती है। अपनी माँ को आरती की थाली और दूसरे को पुलटू गाली, क्या मगन से इतना डबल स्टैंडर्ड। ए मगन से तेरी बेटी तो पत्ता गोभी पहनती नहीं होगी। क्या बोलता तू, मेरे से मस्त दिखती क्या? क्या बोल रही है इंदु? जोक, मजाक कर ली, फिर किने दे रही है सेट दे रही। ठीक ठीक ठीक। रंजीत, ए रंजीत, इंदु, इंदु रुक, इंदु, ए बेशरम, बेहाय, रुक, रुक। रंजीत कितना आवाज दिया तेरे को, तू सुनता ही नहीं। अरे बाप रे, इतना गुस्सा, बोलेगा नहीं, देखेगा भी नहीं क्या? आज स्माइल पे कर्फ्यू है,
बाप रे, कितना गर्मी है इधर। नहीं संजीत, कब से बोली जा रही है मैं? अभी ना बहुत हुआ तेरा, बता दे रही है मैं। अगर स्माइल नहीं फेंका ना मेरी तरफ तो यही आम पापड़ बना देगी। खोल ना मुंह का ढक्कन। फायदा है क्या कुछ बोल के? फायदे के लिए लव किया था? पैसा नहीं है मेरे पास, और उधर वो मगन सेठ तेरे घर पे बैठा है तेरे को खरीदने के लिए, और तू भी उसके साथ हंस हंस के बात करती है। हाँ, ये उसका लाइव एड्रेस पहनती है? तेरे को क्या लगा उस मगन सेठ के वास्ते पहनी है ड्रेस? तेरे वास्ते पहनी, तू एक बार आंख उठा के देखा ही नहीं। चल जा, बेकार में दिल देके बैठी तुझे। ए, इंदु, इंदु, इंदु सुन ना यार, इंदु सुन, मेरी मेरी बात तो सुन यार, मैं तेरे से गुस्सा नहीं हूँ रे। अरे बात सुनना, नाराज मत होना, मैं तेरे पे गुस्सा नहीं है रे। तेरे से नाराज होते मैं कैसे रह पाऊंगा? हाँ अच्छा बाबा, कान पकड़ के बोल रहा हूँ, सॉरी, ठीक है? अरे दिल से, कसम से, जान से। चल चल, अब जास्ते फिल्मी डायलॉग मत जा। क्या देखता? लव आ रहा है मेरे पे? मन कर रहा है ना कि तेरे से अब भी शादी मना के अब भी घर लेके चलूं। तो आइडिया गाँव, चल इधर ही समंदर बाबा के सामने फेंटे मार के शादी मना लेते हैं, फिर यही खोली छोली डालकर सेट हो जाएंगे, क्या बोल? इतना पैसा किधर है मेरे पास कि तेरे को ठीक से रख सकूं? कितने रुपया मांगता है शादी मनाने को? क्यों, किधर से लाएंगे? मगन सेठ से मांगेंगे? मेरी सटक गई ना रोमियो, तो देगे कान के नीचे। तेरे नहीं रे, अपुन के कान के नीचे। उल्टा बात जमता नहीं ना अपुन को। तेरे पे तो हट आ गया अपना। जब इतना डायरेक्ट कनेक्शन है समंदर बाबा से, तो उस सट के लिए मगन सेठ से पैसा मांगेगी? अरे इसी से मांगेगी ना। हेलो समंदर बाबा, अपुन के लाइफ पार्टनर के लाइफ में थोड़ा रोका शोकरा भेजने का, शादी मनाएगा, लाइफ सेट करेगा अपने। अरे क्या क्या कर रही तू? रंजीत? हाँ रंजीत, उधर 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 क्या है वो? किधर? उधर वो बोतल? नहीं, समंदर का पानी, उसका मच्छी देखकर एक्साइट हुई मैं। अरे जाना लेकर आ। छोड़ना, वो बियर का बोतल है, अरे किसी ने दारू पी के फेंका हुआ है। उसका भीतर कुछ हुआ तो क्या? गोल्ड शो? अरे पागल है क्या? अरे गोल्ड उसमें होता ना तो अब तक डूब चुकी होती वो। डायमंड? डायमंड? हाँ वही, डायमंड हुआ तो? डायमंड हुआ तो फिर अपनी सारी प्रॉब्लम खत्म। तो मुंह क्या देखता है, लेकर भाग के जा, देख दूर जा रहा है। ए रंजीत, इसमें जो भी होएगा ना मेरा होएगा। हाँ सब तेरा ही होगा। डायमंड तो है इसने देखा।
अरे पर इसमें ये पेपर क्या है? होगा कोई सुसाइड लेटर। फेंक दूं क्या? हाँ, पढ़ तो सही। हाँ एक मिनट, खुली नहीं रहा, टाइट है। इससे ट्राई कर। हाँ दे दे, एक मिनट, ये सही है। ये दे। खींच। निकल गया, निकल गया। क्या है ये? पता नहीं, देखते हैं। ये तो वो वसीयत है, काफी पुराना लग रहा है। पढ़ तो सही। तेरी अमानत है, तू पढ़ना। जास्ती मत बोल, जानता ना पढ़ नहीं सकती। तेरे को बोलता था ना मैं इंदु कि पढ़ाई कर, अगर तू आज पढ़ी लिखी होती तो इतना सा लिखा हुआ चीज मेरे को पढ़ने को बोलती तू? पर जब पढ़ने को उम्र था तब तो पढ़ी नहीं, अभी क्या? इंदु, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, इंसान जब चाहे तब पढ़ सकता है, बस चाह होनी चाहिए। अभी ये तो पढ़, पता क्या लिखा है? हाँ, जिन साहब को ये दस्तावेज मिले वो मेरे ऑफिस करसर जी एंड कंपनी सॉलिसिटर्स बॉम्बे में आकर मुझसे मिले। पेपर लाने वाले व्यक्ति को मेरे 10 करोड़ की जायदाद का वारिस करार दिया जाएगा। नीचे पोमन जी बहराम जी खस्तगीर का सिग्नेचर है, कोर्ट का स्टैंप भी है। प्रॉपर्टी कितना बोला? 10 करोड़। 10 करोड़! इंदु, तू 10 करोड़ की मालकिन बन गई। इंदु, ए इंदु, इंदु, ओए, ठीक है? 10 करोड़। इंदु, ए, अरे उठ।